अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगी। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 किया था। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस 3 ओवर 2 थीटा कॉस 5 ओवर 2 थीटा प्रूफ करना है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लेते हैं और ये बनाने की कोशिश करते हैं। लिख लेते हैं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बराबर है। अब एक चीज़ देखें, हमारे पास देखें फार्मूला बन रहा है साइन यू माइनस साइन वी। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं साइन यू माइनस साइन वी किसके बराबर होता है, साइन यू माइनस साइन वी क्या याद करा था हमने, 2 कॉस साइन के बराबर होता है। 2 कॉस और यू प्लस वी ओवर 2 और यू माइनस वी ओवर 2 सब में सेम होता है, 2 कॉस साइन यू माइनस वी ओवर 2। अच्छा, यहाँ पे देखें u क्या और v क्या है हमारे पास, इस पर लगा रहे हैं u हमारा 5 थीटा है, v हमारा 3 थीटा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, इतना हिस्सा 2 cos u प्लस v ओवर 2 मतलब 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और ये जाएगा sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो इतने हिस्से में तो हमारा लग गया फॉर्मूला। अच्छा, प्लस साइन 2 थीटा को अभी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 थीटा प्लस 3 थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, 8 थीटा के इक्वल होगा और 8 हो जाएगा और 2 नीचे 2 वन ज़ा 2 2 फोर ज़ा 8 तो असल में टोटल क्या बचा, 2 कॉस 4 थीटा ऐसे ही होगा। इसी तरह साइन 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल सिर्फ थीटा बचा हमारे पास प्लस। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है हमारे पास। देखें 2 और 2 दोनों के अंदर सेम है, इसी तरह साइन थीटा और साइन थीटा दोनों के अंदर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 निकल गया और साइन थीटा निकल गया, क्या बचा, कॉस 4 थीटा बचा, कॉस 4 थीटा। इसी तरह 2 निकल गया, साइन थीटा निकल गया, क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा बचा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे दोबारा फार्मूला लग गया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, कॉस यू प्लस कॉस वी वाला फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस यू प्लस कॉस वी किसके बराबर होते हैं, 2 कॉस कॉस के बराबर होते हैं, 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 कॉस यू माइनस वी ओवर 2 के इक्वल होता है। तो इस जगह पर हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। इस बार यू क्या है, 4 थीटा और वी क्या है, थीटा। तो लिख देता हूँ 2 साइन थीटा, अच्छा ब्रैकेट में क्या लग गया, 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 मतलब 4 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, इसी तरह कॉस 4 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ये हमारा फॉर्मूला लग गया उतनी जगह पर। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे 4 थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 5 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस 5 थीटा ओवर 2 हो जाएगा, 5 थीटा ओवर 2, इसी तरह कॉस 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा ओवर 2 हो जाएगा। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, साइन थीटा ऐसे ही आ गया। और ये चीज़ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखें ऊपर देखें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हमें करना है 4 साइन थीटा, इतना तो आ गया, कॉस 3 ओवर 2 कॉस 5 ओवर 2। तो इसी तरह कॉस 3 ओवर 2 पहले लिख देता हूँ, कॉस 5 ओवर 2 बाद में लिख देता हूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस 3 ओवर 2 थीटा और कॉस 5 ओवर 2 थीटा और यही चीज़ हमें करनी थी प्रूफ्ड। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। अब इसे हमें प्रूफ करना है तो वही फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखें यहाँ बन रहा है कॉस यू प्लस कॉस वी, इसी तरह कॉस यू प्लस कॉस वी, जहाँ फॉर्मूला फ़ौरन बन रहा हो वहाँ हमेशा हम लोग शुरू करते हैं वहाँ से सवाल। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, इसी वजह से ये सवाल पेपर में बहुत आता है, हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, कॉस यू प्लस कॉस वी लग रहा है ना। और एक चीज़ देखिए, हमें बनाना क्या है, हमें एक कॉस 4 थीटा लाना है और एक कॉस 2 थीटा लाना है ना हमें।
4 थीटा हमारे cos u plus cos v करें ना, कौन से दो नंबर अगर प्लस होंगे तो वो 8 बनेगा, क्योंकि नीचे हमेशा फॉर्मूले में क्या होता है u plus v over 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 कहां बनेगा? अगर मैं 7 थीटा plus थीटा करूंगा तो क्या बन जाएगा? 8 थीटा बन जाएगा और 2 से डिवाइड हो गए 4 थीटा बन जाएगा। इसी तरह अब कहां पे हमारा 2 बनेगा, देखें 5 minus 3 करेंगे तो 2 बनेगा हमारा, इसी तरह ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह 5 plus 3 क्या बनेगा, 8 बनेगा, 2 से कैंसिल होकर 4 थीटा बन जाएगा। तो हमें यही चीज अरेंज करना असल है इसके अंदर, तो इसलिए हम लोग कौन से रख रहे हैं, cos 7 थीटा plus cos थीटा एक साथ कर रहे हैं plus, और इसी तरह cos 5 थीटा plus cos 3 थीटा एक साथ रख रहे हैं हम लोग, बात वही है, प्लस माइनस में अरेंज हो सकता है। यहां क्या लग गया, cos u plus cos v, यहां भी cos u plus cos v लग गया, तो पहले बता देता हूं cos u plus cos v हमारा किसके बराबर होता है, cos u plus cos v बराबर होता है 2 cos cos, 2 cos u plus v over 2, फिर cos u minus v over 2 के इक्वल होता है, तो दोनों ब्रैकेट पे अलग-अलग ही फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, अच्छा तो इस ब्रैकेट पे हमारा लग जाएगा पहले 2 cos u plus v over 2 मतलब 7 थीटा plus थीटा over 2, फिर cos u minus v over 2 मतलब 7 थीटा minus थीटा over 2, पहले वाले ब्रैकेट पे लग गया, फिर प्लस हो रहा है दूसरा वाला ब्रैकेट, इसमें भी यही लगेगा 2 cos, बस u और v चेंज है, इसमें u क्या है 5 थीटा और 3 थीटा है, u 5 थीटा plus 3 थीटा over 2 और cos 5 थीटा minus 3 theta over 2 के equal है, क्या हो जाएगा 7 theta plus theta 8 theta हो जाएगा हमारे पास, तो 2 cos 8 theta over 2 हो गया, इसी तरह यहाँ पे cos 7 minus theta कितना हो जाएगा 6 theta over 2 हो जाएगा हमारे पास, plus 2 cos 5 theta plus 3 theta 8 theta over 2 हो जाएगा, और इसी तरह cos 5 theta minus 3 theta 2 theta over 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2 2 4 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरह, यहां पे बचेगा 2 cos 2 1 2 2 4 8 तो मतलब 4 थीटा, इसी तरह cos 2 1 2 2 3 6 तो सिर्फ बचा 3 थीटा plus 2 cos 2 1 2 2 4 8 तो क्या बचेगा 4 थीटा बचेगा, इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ cos थीटा बचेगा हमारे पास। अब एक चीज देखें, बिल्कुल पिछले वीडियो के अंदर हमने पिछले सवाल के अंदर जैसे करा था, कॉमन 2 दोनों के अंदर कॉमन है और क्या कॉमन है, cos 4 थीटा दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचा, 2 cos 4 थीटा निकल गया तो सिर्फ बचा cos 3 थीटा बचा हमारे पास प्लस, इसी तरह 2 cos 4 थीटा निकल गया, यहां क्या बचा सिर्फ cos थीटा बचा, फिर देखें हमारे पास फार्मूला लग गया cos u plus cos v, जो अभी हमने ऊपर लिखा था cos u plus cos v, तो यहां पे दोबारा वो फार्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, अच्छा यहां पे फार्मूला लग रहा है 2 cos u plus v मतलब कि 3 थीटा plus थीटा over 2 और फिर cos 3 थीटा minus थीटा over 2, इस जगह पे हमने फॉर्मूला लगा दिया cos u plus cos v, क्या हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, अच्छा 3 plus 3 थीटा plus थीटा कितना 4 थीटा हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 2 cos 4 थीटा over 2, इसी तरह cos 3 थीटा minus थीटा 2 थीटा over 2 के इक्वल हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, अच्छा 2 1 2 2 2 4 तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा थीटा, क्या बचा सिर्फ ब्रैकेट बचा, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 2 4 और बाकी सारे ऐसे आ जाएंगे cos 4 थीटा cos 2 थीटा और cos थीटा, और एक चीज देखें हमें प्रूफ क्या करनी थी, प्रूफ के अंदर यही सारी चीजें हैं हमारे पास 4 cos थीटा cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, बस हमें क्या करना है अरेंज करना है, पहले थीटा लिखना है फिर 2 थीटा लिखना है फिर 4 थीटा लिखना है, तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं, पहले हमें क्या लिखना है थीटा लिखना है सिर्फ cos थीटा फिर cos 2 थीटा वाला और फिर cos 4 थीटा वाला, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड।